बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जब दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं आज पूर्ण काम हो गया हूँ। अब आप सभी ऋषियों को, महर्षियों को, ब्राह्मणों को बुलाइए और सभी प्रकार से अलंकृत गौ माता का दान करवाइए। तब गुरुजी ने वामदेव आदि सभी ऋषियों को बुलाया। सभी तपस्वी ऋषियों के समूह वहाँ पर पधारे हैं। कौन कौन पधारे? वामदेव, अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली, आए मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपसाली। और राजा ने सभी को दंडवत प्रणाम किया। दंड प्रणाम सब ही नृप कीन्हे, पूजि सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे हुआ जो जग जीवन लाहु। राजा दशरथ ने सभी को दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। अब देखो, 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई हैं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सभी को सभी प्रकार से गहनों कपड़ों से सुसज्जित करके राजा ने प्रसन्न मन से भूदेवों को, ब्राह्मणों को दान में दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ प्राप्त किया है। सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पाई आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बशन मनि हय गय चंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुन गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बिआह उछाहू, सकइन बरनि सहस मुख जाहू। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और उन सबको उनकी रुचि पूछ करके सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी रथ जिसने जो चाहा, सूर्य कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ जी ने उन्हें वह दान प्रदान किया। वे सभी गुणानुवाद गाते सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी महाराज के विवाह का उत्सव संपन्न तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वाणी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा के उत्सव का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा का यह विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्रमुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शिशु नाये कह राव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाव। फिर बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवा करके राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवध पति मागा, राख ही जन कु सहित अनुरागा। नित नूतन
आदर अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुनाई नित नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गवनु सुहायन काहु। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील उनकी करनी और ऐश्वर्य की सभी प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके श्री दशरथ जी महाराज विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी उन्हें प्रेम के वशीभूत करके रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी नहीं सुहा रहा है। इस प्रकार बहुत दिवस बीते ही भांति जनु सनेह रजु बंधे बराती कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह नृपही समुझाई अब दशरथ कह आय सुदेहु यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु भले ही नाथ कही सचिव बोलाए कही जय जीव शीश तिन्ह नाए। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने आकर के राजा जनक को समझा करके कहा कि देखो यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा देनी चाहिए। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ भय प्रेम बस सचिव सुनी और विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा कि अयोध्या के नाथ अब चलना चाहते हैं, भीतर हरनिवास में जाकर के खबर कर दो। यह सुनकर के मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वशीभूत हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।